सबसे पहले ऑथर के बारे में जानते हैं। ये हैं हेल एलरॉड। हेल एलरॉड जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी नई गाड़ी में कहीं घूमने जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया, और जब उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला गया तो उनकी सांसें रुक चुकी थी, लेकिन 6 मिनट के बाद उनकी सांसें दोबारा चलने लगी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थी और अगले 6 दिन में उनकी 7 सर्जरी हुई। डॉक्टर्स ने उन्हें बोला कि अब वो कभी भी व्हीलचेयर से नहीं उठ पाएंगे, लेकिन हेल ने डॉक्टर की सलाह के बावजूद ना सिर्फ चलना शुरू किया बल्कि एक मैराथन में भी भाग लिया। वो अपनी सारी इम्प्रूवमेंट का क्रेडिट अपने मॉर्निंग रूटीन को देते हैं, और यही मॉर्निंग रूटीन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाली सभी वीडियो से फायदा उठा सकें। तो बिना किसी देरी की करते हैं काम की बात। हैबिट नंबर 1, साइलेंस। एक बेहद शांत मन से जगने की कल्पना करें। जब आप नींद से उठें, शांत रहें, कोई जल्दबाजी ना करें। शांति हमें अपने भीतर झांकने का मौका देती है। आप जितना शांत रहेंगे तनाव को उतना ही दूर करेंगे। शांत चित रहने से आप खुद के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं, जिससे आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। एक शांत मन से आप सेल्फ अवेयर हो सकते हैं और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। खुद को शांत रखने के लिए आप ध्यान कर सकते हैं या फिर गहरी लंबी सांस लेने का अभ्यास कर सकते हैं। नेक्स्ट हैबिट, अफर्मेशन। अफर्मेशन यानी खुद को मैसेज देना। मन ही मन खुद को वो शब्द बोलें जो आपको मोटिवेट करते हैं। इससे आप में एनर्जी आएगी और आपको अपने गोल्स याद आएंगे। इससे आपको जानने में मदद मिलेगी कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, और आप अपने डिसीजन को अच्छे तरीके से ले पाएंगे। खुद पर विश्वास एक चमत्कार की तरह काम करता है। ये आपको वो बनाता है जो आप बनना चाहते हैं। अगर आपको विश्वास है कि आप महान हो तो आप महान बनेंगे। नेक्स्ट हैबिट है विजुलाइजेशन। हर वक्त अपनी जीत की कल्पना कीजिए। जो आप जीवन से चाहते हैं उसे पा लेने की कल्पना कीजिए। ये महसूस कीजिए कि आप अपने गोल्स को पा चुके हैं। विजुलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने ब्रेन में वो मेंटल इमेज बनाते हैं जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। ये एक तरीके से ब्रेन एक्सरसाइज है जहां कोई व्यक्ति अपनी सपनों को कल्पना के जरिए पूरा होते हुए देखता है। अपनी जीत की कल्पना करते रहना आपके सपनों को पूरा करने में काफी मदद करती है। नेक्स्ट हैबिट, एक्सरसाइज। अपने तन मन को चुस्त रखने के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज हमारा फोकस बढ़ाने में मदद करती है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी ठीक रहता है। दौड़ना, चलना, पुशअप या पुलअप्स, आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी लक्ष्य पूरा करने के लिए आपके अंदर भरपूर ऊर्जा होनी चाहिए जो हमें एक्सरसाइज से मिलती है। इसे एक हैबिट बना लीजिए। ये आपकी सुबह को एनर्जी से भर देगा। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो बेहतर विचार खुद ही आपके दिमाग में आने लगेंगे। एक्सरसाइज से हमारे भीतर कई पॉजिटिव बदलाव आते हैं। आपका मन और दिमाग शांत होने लगता है। आपकी एनर्जी सही डायरेक्शंस में फॉलो होती है। इसलिए अपने जीवन में एक बेहतर बदलाव लाने के लिए हर सुबह कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करें। नेक्स्ट हैबिट, रीडिंग। जब भी कोई आप नई किताब पढ़ते हैं, आप उन लोगों से सीखते हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। ये लोग वहां पहुंच चुके हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। इसलिए किताबों में दिए गए इनके आइडियाज से हमेशा सीखते रहिए। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो आप उन गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं जो इन लोगों ने की थी, और इसी वजह से आपको जीत बहुत जल्दी मिल जाती है। तो अभी इसी वक्त से पढ़ने की आदत डालें। कुछ ऐसा पढ़ें जो आपको मोटिवेट करे, उम्मीद जगाए, कुछ ना कुछ नया सीखिए। पर सीखिए जरूर। हर रोज किसी किताब के कम 10 पन्ने पढ़िए। ये आपके नॉलेज को बढ़ा देगा। नेक्स्ट हैबिट है स्क्राइबिंग यानी लिखना। लिखने की आदत से आप अपने अंदर चल रहे उन सब इमोशंस को शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं जो आपके अंदर चल रहा है। हर रोज थोड़ा थोड़ा लिखने की आदत डालिए। इससे आपको मन में दबी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलेगा। आप खुद को भी बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। जो कुछ अच्छा बुरा आप महसूस करते हैं उसे लिख डालिए। याद रखिए कि मुश्किल काम भी आसान है अगर आप मान लें कि वो आसान है। शुरुआत में आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा, फिर ये धीरे धीरे आपके लिए सरल होता चला जाएगा।
इन सिक्स हैबिट्स को आप सेवियर शब्द से याद रख सकते हैं। जब आप मिरेकल मॉर्निंग की आदत बनाएंगे तो आप इन स्टेज से गुजरेंगे। पहला स्टेज 1 से 10 दिन का होगा, असहनीय। अपने अंदर एक अच्छी आदत डालना शुरू में बहुत मुश्किल भरा होगा, क्योंकि बुरी आदतें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। शुरुआत में ये बहुत आसान काम लगता है, मगर धीरे धीरे बहुत दर्दनाक हो सकता है। और सबसे मुश्किल बात यह है कि शुरुआती दर्द से घबराकर कई लोग अपने कदम पीछे खींच लेते हैं और अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते। लेकिन आप इस शुरुआती दर्द से घबराइए नहीं, क्योंकि ये टेम्परेरी है। 10 दिन पूरे होते ही आप इस दर्द को भूल जाएंगे और जो हासिल होगा वो होगा सिर्फ आपकी कामयाबी। सेकेंड फेज है 11 से 20 दिन का, अनकंफर्टेबल। आपके लिए सेकेंड फेज पहले के 10 दिन से कुछ आसान होगा। अब तक आपको इसकी कुछ कुछ आदत पड़ चुकी होगी और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आप इसे पूरा कर सकते हैं। लास्ट स्टेज है 21 से 30 दिन का, अनस्टॉपेबल। इस लास्ट फेज में आप ये सोचकर संतुष्ट नहीं हो सकते कि आपका काम अब पूरा हुआ। अभी आपको अंत तक डटे रहना है। कुछ जानकारों का मानना है कि 21 दिनों का ये प्रोसेस अच्छी आदतों को अपनाने के लिए सफिशियंट है। बेशक इसमें 21 दिनों का समय लग सकता है, मगर इसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आपको आखिरी 10 दिन चाहिए, वरना ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा और इसका रिजल्ट ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा। अगर आप इन 10 दिनों में नई आदतें नहीं ना पाए तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए 30 दिन की मिरेकल मॉर्निंग चैलेंज लीजिए और अपने बेहतर जीवन के लिए इसे पूरा करके दिखाइए। अगर आप 1% नहीं कर सकते हैं ये सब, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप नीचे दिए गए लिंक से हैबिट नेस्ट की मॉर्निंग साइट की जर्नल खरीद सकते हैं और अपने मॉर्निंग रूटीन को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।